2 मीटर ਦਾ ਕੜਾ ਜੋ ਸੱਟਿਆ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ 90 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नवीद भाई में, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो इस टाइम तकरीबन 4 से अबव हो चुका है और इस टाइम मैं बाहर खेतों में आया हूँ। तो एक छोटी सी मीटिंग थी जो नया सवेरा वाले हैं ना, जो दवाई वगैरह जो इस्तेमाल करवाते हैं खेतों को, तो सारे किसान भाई जो ना वो इधर पीछे वो हैं कुछ, और कुछ वो आगे जा रहे हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग रखी हुई थी कि जो स्प्रे इस्तेमाल करवाते हैं ना, तो वो अभी उनका नतीज वो निकालने के लिए, इनके नतीजा निकालने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले वो गंदम थोड़ी सी काट लेंगे, एक मरबा शक्ल का उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, इतने रख रहा, गां रख रहा, पीछे रख रहा, तो वो बनाया हुआ है। और उसकी पुमाई के साथ जिसको स्प्रे की हुई है नया सवेरा की वो काट लेंगे, और जिसको नहीं गंदम को की हुई वो काट के तरीका थोड़ा समझावे वो सिट्टा फोल के मरोड़ के दाने देख लागे कि दाने जी। क्यों बाबा जी ठीक है, सारे दो एक बार उ नहीं जी, सारे एक बार उतरी ताकि सारे लगे सामने। थोड़ा जहा खुला खुला लाइन खड़ा करना सामने ठीक है, ठीक है। कितने फुट है सारा री चौड़ाई? एक मुरब्बा मीटर। एक मुरब्बा मीटर ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसे मैं तो दराया सा इधर आके ठीक हो गया, सामने विच आ यार फ्लैश दा मुंह इधर नु करा ले, इधर नु करा ले, बंदे दा मुंह इधर वीडियो वीडियो बनाएगा। हां जी सारे इथो लग के ठीक हो गया, अस बंदे भी खिलोवोगे तो फिर आने दोबारा गजाल दात्री है क्या? जिन्हें बेचने जल्दी करना बाबू, जिन्हें जिन्हें बेचना सारा वीडियो बन रही है। वीडियो तो नहीं तस्वीर चाड़नी है, चलो तो ही तस्वीर ये एक जी मुरब्बा मीटर है, इसके अंदर अंदर जितनी गंदम आएगी ना उसकी भाई कटाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा खेत है उस खेत के भी जो घुमाइश करके तो उसके भी सिटे उतारे जाएंगे। फिर उसको बाद में जो ना वो साफ़ करके गंदम वगैरह निकाल के तरकड़ी वगैरह लेके आए हैं, तो तराजू के साथ जो ना फिर इसकी घुमाइश की जाएगी। तो ये गंदम जिसकी कटाई हो रही है, ये हमारे चाची जान है शौकत उनका नाम है, जिनकी वो है गंदम, और वसीम भाई की गंदम है, यानी कि ठीक है जो भाई देख रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट भी करना, ठीक है। चलो एवं हूँ जितने स्प्रे नहीं ना हो इन्नी कु थां तो उत्थे ही कट लेने, जिथे नहीं ना हुई स्प्रे ओनू होई दी है। हाँ जी सिंगल होई दी है, मेरी खुद मैं भी लेके आया हूँ, वो होई दी है भाई। हरून है तू ही नहीं करवाई दी, ओनू फिर कर लो, मैं की थी स्प्रे मैं भी उतो लैके आया हाँ। नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई।
ये काम लग रहा बहुत ही निकला है नहीं वो पासा होला है दो हवा दो आदमी वो लग रहा बराबर ही हो गया था वो पासा होला बराबर नहीं बराबर अभी निकला है ये दो आदमी आज ये सेपेज ही फर्क है देश मार तो फिर चले तो ये दूसरी गंदम जो ना स्टॉक बाइक लेके आए हैं तो नसीर भाई ने पकड़ी हुई है अभी इसका मुकाबला होगा जी बाबे शौकत वाली गंदम के साथ अभी शाम करेगा जी कुटाई हाल मुंह जरा कुट के फर्क रखा रहा तकरीबन 100 ग्राम का फर्क है। अच्छा 100 ग्राम एक मुरब्बा मीटर के फर्क है ना भाई जी, एक मुरब्बा मीटर के 100 ग्राम अगर असं किले देखिए तो तकरीबन 4047 मुरब्बा मीटर बनते हैं, यानी 100 ग्राम का एक मुरब्बा मीटर फर्क है तो 4000 मुरब्बा मीटर फर्क होएगा, वो 100 × 4000 यानी कि तकरीबन 4 लख ग्राम। गोब ते कणक आंदी है एक दफा उदो स्प्रे एक दफा नसारे दे उत्ते जो असं इंटर स्प्रे करने हैं वो दाने वजनी होंगे ने ज़्यादा उन्होंने वजह की होंगी है कि इन दोवों ने एंड ते आके पत्ते हरिया भरिया रखना जो पत्ता हरा भरा तंदुरुस्त रहेगा एंड तिकन तो दाना सही रहेगा। ये सिर्फ अज असी नतारे वास्ते आए तो सारा थोड़ा जहा देर होगी सू आते नहीं तो असं दाने सारे कढ़ के सारे तरीके के मुताबिक थानू असी मिक्स जो सब जरा मुंजी पनीर के हड्डा लग जाता है तीले सफेद होकर सुकना शुरू हो जाते हैं लंबे हो जाते हैं मुंजी के लग जाते हैं फिर असं इन्हें इजाफी खाद पाई किंज पाई ये होंगी बीज की बीमारी ये अपराउन मिक्स है एक किले के बीज को लगनी है जो बीज तुम 24 घंटे भेज के दाब देंगे दे ना उस वक्त इस दवाई में 20 ml दवाई है 20 ml पानी मिक्स करके इनू रला के दे के दाब देंगे ये उगाओ एक होगा पनीरी का उगाओ एक जैसा होगा पनीरी हरी भरी रहेगी और ये जी पनीरी हो जाती तीले मार जाती लंबी हो जाती है मुंजर निकल वो किसी किस्म का मसला इन्हें नहीं होगा। खास तौर पर 1509 वरायटी लानी है तो इस अपराउन मैक्स में लाजमी इन चला ठीक है जी बस इन सारी गल तो बाबरों लो उसकारी जरा दोस्तों वास्तव समान लेंगे एक असं तस्वीर बना लें लो जी रिजल्ट निकाला जी वसीम भाई के जो गंदम है ना उनका जो चार होता है वो ज़्यादा निकला और इश्ताक भाई का जो ना वो दूसरी स्प्रे की हुई थी नया सवेरा की नहीं की हुई थी पिज़ा बयान और टिलट वगैरह जो वो नहीं की थी और उसका जो ना वो चार तो स्प्रे की हुई थी वसीम भाई के गंदम को चाचू जवेद ने ठीक है माशाल्लाह तो अच्छे जो ना वो तरीके के साथ की हुई थी को पाड़ा वगैरह वो कुछ नहीं रहने दिया था। बहुत शुक्रिया चाचू जी मेहरबानी अभी रोजे की अफ्तारी के लिए भाई जो है वो समोसे वगैरह लेके आए हुए थे। समोसे हैं क्या समोसे ना तेरा तो नहीं है रोजा तेरा तो रोजा मैंने पता
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हो गया जी रोज़े का टाइम, तो इसलिए भाई ने मेरा दूसरी जो गंदम की जो ना हमने काटी थी ना वसीम भाई की और इश्तियाक भाई की, उनकी जो मुकाबला किया था वो वैसे देखने में भी जो ना वो ज़्यादा लग रही थी जो वसीम भाई की थी। तो रोज़े का टाइम था इसलिए उसने शार्ट शार्ट भाई ने काट के ना, तो हमें बता दिया कि जो पहले एक विलेज में काट के आए थे तो वो उन्होंने ना हमारे साथ तरीका शेयर किया था कि ये तकरीबन जिस एकड़ में नया सवेरा की स्प्रे की हो और जिस एकड़ में लोकल कंपनी की स्प्रे की हो ना, उसमें तकरीबन 10 मन का जो ना वो इजाफा हो जाता है जिसमें नया सवेरा की स्प्रे की हो। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने नवीद भाई को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।